नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दारू प्रखंड में भारत बंदी को लेकर प्रखंड के SC ST के लोगों ने पूरे प्रखंड में बंद का आह्वान किया। ये बंदी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज में वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर को लेकर पूरे प्रखंड में विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन भीमार्मी के प्रखंड अध्यक्ष बबलू मेहरा के नेतृत्व में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया, जो कि दारू चौक के झुमरा चौक में सड़क पर लोगों ने बैनर और झंडा लेकर बैठ गए। इस कारण दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बहुजन समाज के लोगों ने प्रखंड के दुकानों को भी बंद करने की अपील की और दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद रखे। इस बंदी में दारू थाने के सब इंस्पेक्टर श्रवण कुमार पासवान अपने दलबल के साथ मुस्तैद रहे। साथ ही साथ प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी भी शांतिपूर्ण बंदी को लेकर निरीक्षण करते नजर आए। इस बंदी में भारी संख्या में पहुंचे प्रखंड के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों ने बंद को शांतिपूर्ण सफल बनाया। आज हम लोग के बहुत सारे ऐसे मुद्दाएं हैं जिसको लेकर हम लोग सड़क पर आज उतरे हैं। इसका पहला कारण ये है कि हमारे SC ST समाज में जो संविधान के द्वारा हम लोग को जो आरक्षण दी गई है, उस आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है, उसका वर्गीकरण किया जा रहा है, जिसके वजह से आज हम सब बहुजन समाज और SC ST के समाज के लोग मिलकर इस सड़क पर उतरे हैं। आज हमारी मांग को अगर नहीं सुनी जाती है तो आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। ये सड़क से सदन तक जाएंगे, सदन से संसद तक जाएंगे और इसका हम लोग आगाज कर चुके हैं। अगले महीना 11 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, जो बार बार हम दलितों के लिए, SC ST के लिए, हमारे हक अधिकार के लिए हर बात को उठाई जा रही है, उसके समर्थन में पूरे हम लोग भारतवर्ष के लोग, पूरे SC ST समाज के लोग हम लोग जंतर मंतर पर जाएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे, धरना करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। अगर इस छेड़छाड़ को अगर बंद नहीं किया जाता है तो आज हम लोग शांतिपूर्वक आज इसका विरोध कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, तो शायद इसका अंदाजा नहीं होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को और हमारे PM को या हमारे राज्य सरकार को, शायद इसका नमूना मालूम चल जाएगा 11 सितंबर को। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप वहाँ से चलकर आए हमारी बातों को रखने के लिए और दिखाने के लिए। मैं राज्य सरकार से अपील करूँगा कि आप भी ST समाज से हैं, अगर हम लोग का दर्द आप नहीं समझते हैं तो फिर आप भी इस चीज़ को झेलने के लिए तैयार रहिए। हम लोग तो कमर कस चुके हैं, बस आप अपनी तैयारी कीजिए। मैं इसका सीधा असर दिखाऊंगा विधानसभा के क्षेत्र में, जो हमारा भी विधानसभा का चुनाव है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगी। काहे कि हमारा वोट का इतना बड़ा ताकत है, इतना बड़ा ताकत है कि सरकार बना भी सकते हैं, सरकार उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। मुर्दाबाद, सुप्रीम कोर्ट का जज मुर्दाबाद, सुप्रीम कोर्ट का जज मुर्दाबाद, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं बबलू मेहरा, भीम आर्मी अध्यक्ष दारू। मैं यहाँ का पूरे दारू प्रखंड का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ भीम आर्मी के बैनर तले। आज इस भारत बंद का समर्थन हम लोग मिलकर कर रहे हैं। आज हमारे इस भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संगठन में सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में यहाँ पर तैदाद है और इसको हम लोग आज रूप दिए हुए हैं, जिस मिशन पर आज हम लोग गुजरे हुए हैं। दारू क्षेत्र से, दारू प्रखंड से मैं प्रतिनिधित्व करते हुए भीम आर्मी अध्यक्ष दारू बबलू।